नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार छात्र तो विरोध कर ही रहे हैं, मगर अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो भी अब पूरी तरीके से शुरू कर चुकी है। कुछ दिनों पहले सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना का विरोध किया गया था। आज यूथ कांग्रेस की ओर से भी अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। देश का नौजवान, देश का युवा असमंजस के स्थिति में है और चौराहे पर खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि हम किस दिशा में जाएं। जो आज देश का हालात है, जो मोदी जी ने कर रखा है, ये अग्निपथ योजना जो लाए हैं वो नौजवानों के साथ, जवान के साथ और देश के सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। हम मांग करते हैं कि यथाशीघ्र हो सके इसमें बदलाव करिए, अन्यथा इसके कई त्रुटियां हैं। अगर हम विस्तार पूर्वक बात करने लगे तो बहुत सा समय लग जाएगा, लेकिन आप समझिए, जिसका बेटा इस अग्निपथ योजना में बहाल होगा वो अपने पिता से पहले बहाल होगा और अपने पिता से पहले रिटायर हो जाएगा। 3-4 साल का जॉब है जिसमें 6 महीना उसको ट्रेनिंग में लग जाएगा, 6 महीना का छुट्टी होगा और 3 साल मात्र रोजगार मिलेगा। एक नौजवान जो 17 से 21 की आयु में आएगा, जब वो अपने जवानी की आयु में आएगा तब वो रिटायर हो जाएगा। उससे आप अगर गांव घर से जुड़े हुए हैं तो उससे कोई शादी नहीं करेगा, वो बेचारा तो समय से पहले बेकार हो गया। भाजपा के लोग कहते हैं कि हम जो है ऐसे नौजवानों को रोजगार देंगे अपने यहाँ गार्ड का, ये शर्मनाक बात है। इस देश का अनुभवी जितने सेना के लोग थे, जिसके कारण हम लोग आज जितनी भी लड़ाई हुआ जीत पाए हैं, आप 3 साल में कैसे मान लेते हैं कि कोई जब ट्रेंड हो जाता है तो आप उसको उस टाइम पे छांट देते हैं। उसके अनुभव का जब लाभ लेना चाहिए तो आप उसको रिटायर कर देते हैं। मेरा यही कहना है कि ये त्रुटि है। आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का और आप आज बोल रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, यानी प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आपके कहे अनुसार 1.95 करोड़ लोगों को आपने पहले ही बेरोजगार कर दिया और रोजगार देश से छीनते जा रहे हैं। देश के सारे जो बुनियादी ढांचा है उसको आप बेच रहे हैं या भाड़े पे लगा रहे हैं या अपने पूंजीपति लोगों को लाभ दिलवा रहे हैं, और उस स्थिति में आप देश को सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के नौजवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका असर भविष्य में सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ अभिजीत राय जी, जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हम लोग यहाँ पर, हमारे साथ उज्जवल जी भी यहाँ पर हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। उज्जवल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये 4 साल का जो समय है अग्निपथ योजना में लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, जिसका विरोध छात्र भी कर रहे हैं और उनके उसे कहा भी जा रहा है कि अगर किसी से पूछा जाएगा उनका हाइट कितना होता है, एज कितना है, तो वो कोई बता नहीं पाएगा। देखिए, 4 साल जो टाइमिंग रखा गया, पहले तो ये समझ लीजिए कि मोदी जी की किसान के बिल भी, वो भी योजना गलत था। ये अटपटा योजना इसको नाम देना चाहिए। मोदी जी की जितना योजना होता है ना, अटपटा योजना होता है। आज समझ लीजिए कि 19 साल 20 साल में अगर नौकरी पकड़ेंगे और 24 साल में बेरोजगार हो जाएंगे। एक नॉर्मल देश में शादी होता है 25 साल 26 साल में, तो रोजगार रहेगा, बेरोजगार में शादी कराएंगे, ये तो रिटायरमेंट ये जवानी में करा रहे, तो बुढ़ापा में क्या कराएंगे इसके हिसाब इनके पास नहीं है। दूसरा बात, 4 साल में जब आप रिटायरमेंट देंगे उसके बाद आप कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस में कार्यालय में गार्ड का हमको नौकरी के लिए जरूरत है, आपको रख लेंगे। मतलब देश के लिए जान देने का जज्बा रखने वाले लोग इनके कार्यालय के बाहर गार्ड का काम करेंगे, तो ये उस हिसाब से इस हिसाब से गलत है। और ये योजना सरासर युवाओं को ठगने का काम करेगा और उनके विफलता और नाकामयाबी को दिखाता है कि वो ऐसे ऐसे योजना लाके दिग्भ्रमित कर रहे हैं देश को, चाहे किसान का बिल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल में एक से एक योजना। कोरोना काल में कोई भी रहा है, आप मेडिसिन का ले लीजिए 2020 मार्च में और अब तक में 22 से 28% तक रेट भागा है, राशन में 22 से 28% भागा है। इसके लिए नहीं सोचना है, वो सोच रहे हैं अग्निवीर लाके युवाओं को डाइवर्ट कर देना।
तो देखिए लगातार अग्निवीर को डाइवर्ट करने की बातें जो है वो सामने आ रही है और यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी पहुंच चुके हैं। हम लोग उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। सर, अग्निपथ योजना को लगातार विरोध कर रही है कांग्रेस और युवा भी विरोध कर रहे हैं, आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि देश के नौजवानों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा ये कुठाराघात होने जा रहा है। जो लोग भूखे हैं उनके सामने सूखी रोटी फेंकी जा रही है और कल ये कहेंगे ये तो हमारा योजना सफल हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने लोग आज इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, जिनका मूलतः ओरिजिनल छात्रों का आंदोलन था, युवाओं का, मैं उनको सलाम करता हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, इसलिए कि हम लोग भी नहीं जानते थे कि ये योजना क्या है, लेकिन बेरोजगारों को एक मिनट में समझ में आ गया कि जो 16 साल रेगुलर नौकरी मिलता था उसको काट के 4 साल कर दिया और 4 साल के बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। ये इतना बड़ा कुठाराघात है कि हमारी जिम्मेवारी है, यूथ कांग्रेस के लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे विपक्ष के लोग, इस देश के नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, कोई राजनीति के लिए नहीं लड़ रहे। सर, जिस तरीके से कहा गया कि आप अगर रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आपको अपने ऑफिस में गार्ड की तरह रखेंगे, जो जज्बा वो देश के लिए मरने के लिए है, वो अगर इस तरीके से बातें सामने आएंगी। आज ये देश में मोदी जी की सरकार देश का 75वां आज़ादी का दिन है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो आज घटनाएं घट रही हैं वो उसी का अल्टीमेट नतीजा है। उनकी सोच है कि कैसे वो देश के बेरोजगारों के बारे में सोचते हैं, अपने दफ्तर का चौकीदार बनाएंगे, ये सबसे बड़ा देश के बेरोजगारों के लिए मेहरबानी करेगा। जो आदमी आज 16 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा करके गद्दी पे काबिज है, बैठा है, कब्जा कर लिया है, वो उनके लिए अपने दफ्तर का चौकीदार बनाना चाहता है। ये देश का नौजवान याद रखेगा, याद रखा है। तो जिस तरीके से आपने सुना यहाँ पर कि अपने लोगों के लिए यहाँ पर रखा है, तो ये यहाँ पर चौकीदार बना के रखेंगे, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जो जो व्यक्ति, जो अगर हम बात करेंगे छात्रों की, तो जो छात्र जज्बा रखते हैं अपने देश के लिए जान देने की, वो चौकीदारी अगर करेंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। देखना ये होगा कि आखिर कितना इसका असर केंद्र सरकार पर पड़ता है, इन सारे विरोध का जो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार किया जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव रांची से, मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।